हेलो गाइस, सबसे पहले आप सभी को हैप्पी होली। आज की वीडियो में हम हर्बल रंग कैसे बनाए इसी के बारे में बात करने वाले हैं। हर्बल कलर बनाने के लिए हम पलाश के फूल, जिन्हें खाकरा या ढाक भी बोलते हैं, उनके फूलों को इस्तेमाल करने वाले, जो दिखने में कुछ ऐसे होते हैं और इनसे कलर भी काफ़ी अच्छा बनता है। मैंने बनाया भी है। और ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए जो इस डर से होली नहीं खेलते, कहीं पक्के रंग से या फिर हल्की गुलाल से उनके बाल खराब ना हो जाए, उनकी स्किन खराब ना हो जाए, उनके उनकी आंखों में जलन ना हो, इसीलिए ये जो पलाश के फूल है इनसे दो तरह से रंग बनता है। पहला तो सूखा और दूसरा गीला। सूखा बनाने के लिए हमें ये जो इस कलर की ये जो फूल है इनको तोड़ लेना है। हमें सबसे पहले तोड़ के उनको सूखा देना है धूप में। सूखने के बाद उनका पाउडर बनता है, जो जैसे गुलाल भी कहते हैं। और गीले में भी ये दो तरीके से बनता है। पहला तो इसे पानी में भिगो कर रखते हैं 2-4 घंटे, उसके बाद ये जो इसका कलर होता है वो सब पानी में निकल जाता है। और दूसरा इसे उबाल लेने के बाद ये जो उबालने से थोड़ा अच्छा कलर निकलता है, लेकिन उसमें बदबू आने लग जाती है। तो हम अभी ये जो पानी में भिगोने वाला ट्राई करने वाले हैं। इसमें हमें ये जो फूल है ना, इसको एक बाल्टी या कुछ भी पानी लेना है, इसके अंदर डालने के बाद आप इसे 2-3 घंटों के लिए इसे भिगो देना है अच्छे से। और बाद में आप इसे ढक के रख देना 2-3 घंटे के लिए। उसके बाद जब ये अच्छे से गल जाए तब ये कलर निकल जाएगा। ये जो अभी पानी है इसका कलर बाद में एकदम भगवा हो जाएगा। ये जो है, ये देखो, मैंने अभी 2-3 घंटे पहले भिगोया था इसको, फिर अभी थोड़ी देर पहले ये सिर्फ फूल को तोड़ लिया मैंने और इस कचरे को साइड में फेंक दिया था। और आप अभी इसका कलर देख सकते हैं। फूल थे, उनको फूल और पानी को अलग करेंगे। अलग करने के लिए हमें इसको छानना पड़ेगा। ये अच्छी तरह से नहीं छना, इसमें से कचरा वापस निकल गया था अंदर। अब आप ये कलर देखिए, और ये अब बिल्कुल ये गीला, जो इसका सूखा गुलाल हमने नहीं बनाई, ये गीला कलर है। कितना अच्छा दिखने में, कितना अच्छा। और स्वास्थ्य पर इसका कोई नकारात्मक प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे कि पलाश के फूलों से जो हर्बल कलर है वो कैसे बनता है। तो अगर आप अपने बिना स्किन को नुकसान पहुँचाए, बिना बालों को ख़राब किए, बिना आँखों में जलन का होली खेलना चाहते हैं, तो आप इस रंग का प्रयोग कर सकते हैं। और अगर आपके दोस्त भी मेरे दोस्त जैसे हैं तो आपको ऐसे रंग बनाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको उठा के डायरेक्ट नालियों में डालेंगे। सो मेरी तरफ से एक बार फिर से आपको और आप पूरे आपके परिवार को हैप्पी होली। और अगर आप वर्मी कंपोस्ट के वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। एयर लेयरिंग या पौधों पर कलम लगाने की, ये सभी वीडियोस में इससे रिलेटेड वीडियो डालता रहता हूँ। अभी मेरे पास रिकॉर्डेड अभी डाला नहीं है, नया चैनल बनाऊँगा। थैंक यू।